नमस्कार एमबीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सनोज गौतम और आज आपके लिए दोबारा लेकर आया हूं पर्दे के पीछे हमारा स्पेशल शो। आज हम चर्चा करेंगे ईरान के बारे में और चर्चा करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जो आज पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे विश्लेषक हैं एके मिश्रा जी। एके मिश्रा एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और एके मिश्रा जी को आप देश के बड़े नामचीन चैनलों पर रोज डिबेट करते हुए देख सकते हैं। तो एके मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटीवी में। थैंक यू सनोज, आपका भी स्वागत है और आपके बहुत सारे दर्शकों का जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका भी स्वागत है आपके प्रोग्राम में। थैंक यू। तो एके मिश्रा जी, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ईरान के मैटर पे, जहां पर चाबहार जो पोर्ट है उससे अब भारत अलग थलग हो चुका है। भारत के हाथ में एक मौका था चाबहार पोर्ट के माध्यम से, जो वो सेंट्रल एशिया में जा सकता था और जितना भी वहां पे जो रेल परियोजना का जो काम था वो भारत के हाथ से निकल चुका है और कहीं ना कहीं चीन का उस पर शिकंजा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट भारत के हाथ से निकला और जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे, उसके बाद में तेल का जो निर्यात बंद किया था, उसके बाद ईरान और भारत के रिश्ते कितने खराब हुए, क्या आने वाले समय में देखा जा सकता है और इनके परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान अब भारत के लिए एक थ्रेट बन जाएगी और ईरान से भी हमारे जो दोस्ताना रिश्ते थे वो काफी कमजोर हो गए हैं। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताइए कि इसके अब क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। सनोज, चाबहार पोस्ट को डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। मिडिल ईस्ट वगैरह में अगर ये देखा जाए तो पूरी दुनिया में ईरान का अमेरिका से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। वो न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह बनाना चाहते थे और अमेरिका के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है गल्फ में, इकोनॉमिक और बहुत सारे इंटरेस्ट है जिसके कारण वो नहीं चाहता है। साथ ही इसराइल अमेरिका का बहुत स्ट्रांग एलाई है। आप ये बोल सकते हो जो इसराइल चाहता है अमेरिका वही करता है। तो परमाणु शक्ति संपन्न देश अगर ईरान हो जाता तो उसमें पहला खतरा जो है इसराइल को होता। तो इसराइल और अमेरिका नहीं चाहते थे कि ये परमाणु शक्ति संपन्न हो, इसलिए उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। हालांकि इस रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी भारत के बहुत रिलेशन मधुर थे। हमारे प्रधानमंत्री और भूतपूर्व पास्ट में भी आप देखेंगे जो भी डिप्लोमेटिक इफर्ट हुए हैं, हम उनसे तेल वगैरह खरीदते रहे। यहां तक कि एक बार बात यह चली थी कि ईरान से सीधे गैस की सप्लाई की एक पाइपलाइन बिछेगी जो ईरान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया तक आएगी। ईरान इसमें बहुत इंटरेस्टेड था लेकिन पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं था। ईरान के सामने देखिए दिक्कत क्या है, ईरान के लिए चारों तरफ से इस वक्त प्रतिबंध लगा हुआ है, पैसों की मारामारी मची हुई है, एक तरीके से वो कंगाल है। तो ये ईरान जो जा रहा है मजबूरी के कारण ये चाइना के साथ जा रहा है। जो हम लोगों ने ईरान में बंदरगाह डेवलप करने की कोशिश की थी वो काट था हमारा, जो चाइना पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में कर रहा है। हमने प्लान ये बनाया था कि हम चाबहार को डेवलप करेंगे और वहां से फिर रोड और रेल लिंक डेवलप कर करके जो है अफगानिस्तान वगैरह और बाकी के अगल बगल नाइबरिंग कंट्री में जो भी पॉसिबिलिटीज होगी बिजनेस का हम उसको सप्लाई करेंगे। लेकिन ये चूंकि कोविड के बाद से कुछ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से ऐसी चेंज हुई कि ईरान का ये मूवमेंट बहुत मजबूरी में है। देखिए ईरान ने ऐसा क्यों किया, चाइना ने लगभग 20-25 सालों के लिए चाइना और ईरान ने एक सौदा किया है। सौदा ये किया है कि ईरान ने ये बोला कि हम आपको बहुत वाजिब दाम पे तेल देंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट देंगे। और चाइना ने इसके एवज में क्या बोला, चाइना ने ये बोला कि हम आपको इकोनॉमिक लीवरेज, इकोनॉमिक ग्रोथ और परमाणु शक्ति संपन्न न्यूक्लियर प्लांट वगैरह बनाने के लिए हम आपको सहयोग करेंगे। देखिए मुद्दा कहाँ पे फंस रहा है, सवाल ये है, कई लोग ये बोल रहे हैं कि भारत के लिए ये एक चिंता का विषय है। डेफिनेटली एक मामले में चिंता का विषय है कि इसका अगर हमने जो इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट किया वो एक तरीके से बेकार होता हुआ हमें लग रहा है, लेकिन अभी ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता है। तो ईरान ने एक चीज ये बोली है कि भारत के ऊपर जो इस समझौते के लिए अभी निगेटिविटी आई है भारत के ऊपर, ये है कि पेमेंट डिले हो रही है, इस चीज का आरोप लगाया है, तो इसको तो मैनेज भी किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है, मैं बस के सिनेरियो की एनालिसिस करता हूँ। मान लीजिए ईरान भारत के एकदम अगेंस्ट हो गया, और ये तब होगा जब ग्लोबल सिचुएशन एकदम से बदल जाएगी, यानी वारा न्यारा हो जाएगा। ईरान को डिसाइड करना है कि अपने सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी करेगा,
तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उस लेवल तक सारी चीजें पहुंचेगी तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे सैंक्शंस लगे होंगे, वो चाबहार एक चाबहार या एक ग्वादर नहीं, आप 100 ग्वादर भी बना लेंगे। अभी देखिए अमेरिका ने चाइना को रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए हैं, बहुत सारे देशों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं, वो वॉर लेवल सिचुएशन हो जाती है। और वॉर लेवल सिचुएशन होने के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अभी इसराइल के फाइटर प्लेन ने, F-16 फाइटर प्लेन ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, 2 अटैक हुआ, न चाइना कुछ बोला और ईरान तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सका कि हाँ हमारे यहाँ अटैक हुआ। उसके पीछे रीजन था, रीजन ये था कि अगर वो एक्सेप्ट करता तो अपने आप वो बेनकाब होता कि हाँ भाई हम कुछ परमाणु शक्ति से संबंधित, एटम बम से संबंधित हम कोई एक्टिविटी यहाँ पे या संवर्धन उस चीज का कर रहे थे। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर उस लेवल तक चीजें एस्केलेट होती है जो कि वॉर या नेक्स्ट टू वॉर और नियर टू वॉर वाली कंडीशन होगी, तो वहां पे भी हमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, तब तो सारी चीजें खुल्लम खुल्ला होती है, ओपन होता है। एक चीज यहाँ पे जरूर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ये चीजें एस्केलेट होती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो ईरान का झुकाव डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ होगा। अभी तक ईरान और इंडिया का जो भी गठजोड़ था, जो भी मित्रता थी, उसके कारण पाकिस्तान को बहुत डैमेज होता था, पाकिस्तान इसका बेनिफिट लेना चाहेगा, एक एलाइज बनता चला जा रहा है चाइना पाकिस्तान ईरान, अगर ये बन गया तो डेफिनेटली हम लोगों को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। लेकिन इसके और भी ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में सिचुएशन इस लेवल पे एस्केलेट होगी कि ये स्ट्रेटजी या ये डेवलपमेंट भी भारत को कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो एक मिश्रा जी, आपने हमें बताया कि किस तरीके से ये जो एक स्ट्रेटेजिक एक उपलब्धि थी भारत के पास में, वो कहीं ना कहीं भारत से दूर होती तो दिखी है, और इसके क्या आयाम हो सकते हैं उसके बारे में भी आपने बताया कि अगर ये तिगड़ी बन जाती है चाइना पाकिस्तान और ईरान, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक खतरे का काम भी कर सकते हैं। लेकिन भारत के पास में इसे रोकने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इंडिया उसका इस्तेमाल करके और इन सबको वहां पर रोकने की कोशिश करेगा। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूं जो कि इस महामारी कोरोना के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, भारत भी उससे जूझ रहा है, हालांकि बात कही जा रही है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ सकती है, और दुनिया भर में तकरीबन 100 देश ऐसे हैं जो वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और बहुत ऐसी कंपनीज है जिनको सफलता मिलने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की और विश्व की, तो मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भारत में जो मृत्यु दर है वो अच्छी बात है कि कम है, लेकिन यहाँ पर कम कैसे है, और जहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज ज्यादा है, वहां पर जो डेथ रेट है दैट इज मच इन नंबर इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट दिस कि किस तरीके से इंडिया ने उसको मैनेज किया, और अभी जो बार बार लॉकडाउन की प्रक्रिया जैसे बिहार में स्टार्ट हो गई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सनोज, ये वाकई में आपका इट इज रियली अ वेरी वंडरफुल इंटेलिजेंट एंड साइंटिफिक क्वेश्चन, जिसके बारे में मुझे लगता है मीडिया को मैं भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ, लेकिन मीडिया में ये चीज नहीं पूछा गया कि अमेरिका वगैरह में क्या रीजन है कि बहुत ज्यादा डेथ हो रही है और भारत में नहीं हो रही है, या संक्रमण भी उतना ज्यादा नहीं हुआ है। आप देखिए नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स भी यहाँ पे कम है। देखिए ये एक बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है और इसके 2-3 आयाम हो सकते हैं। फौरी तौर पे मैं आपको बता दूं, हालांकि कोई फिक्स नहीं है ये चीजें, लेकिन हाँ ऐसा गेस किया जाता है। आपको याद होगा कि BCG वैक्सीन यहाँ पे लगती है, पूरी दुनिया में देखेंगे कई जगह पे सरकारों ने BCG जो है, जो वैक्सीन था उसको लगवाने के लिए 2 तरीके के देश थे, एक ऐसे थे जिन्होंने कंपल्सन कर दिया था, भारत भी था और उसके साथ साथ बांग्लादेश में भी ये कंपल्सन था और पाकिस्तान में भी कंपल्सन था, ईरान में कंपल्सन नहीं था। ईरान में कंपल्सन तो छोड़िए, ईरान में तो ये भी नहीं था कि ये लगवाइए या मत लगवाइए। अमेरिका में ठीक है, प्रमोट किया जाता था लगवाइए, लेकिन कंपल्सन नहीं था, लेकिन इंडिया में ये कंपल्सन था। तो पहली थीरी तो ये है कि जिन लोगों को BCG का इंजेक्शन लगा है उसका कुछ न कुछ इम्पैक्ट या एक बॉडी में ऐसे रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है जो कि कोरोना को उतना तेजी से इन्फेक्टेड नहीं होने दे रहा है यहाँ पे। ये खुशी की बात है कि हमारे यहाँ डेथ रेट वाकई में बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ अमेरिका या आप दूसरे और जो इस आप ये देखिए इटली वगैरह देखिए, इन सब चीजों को देखिए, इटली को देखिए और इन सब चीजों को देखिए। इटली में भी BCG वैक्सीन को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया गया था। ये BCG वैक्सीन का एक रीजन साइंटिस्ट ने दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे रीजन आता है, थोड़ा सा मैं हट के साइंस से हट के बात करूंगा, एक कहावत या एक कहानी थी चूहा सैदन शाह की,
देखिए ये बॉडी क्या है, पूरी दुनिया में कई तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं, और जितने तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं वहां पे रहने वाले जो जेनेट्री है, जो आदमी है, उनका इम्यून सिस्टम, उनका खान पान, हर चीजें उसी हिसाब से डेवलप होती है। आप ये देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में डेंटिस्ट यानी डेंटिस्ट डॉक्टरों की बहुत जरूरत होती है, वहां के लोगों को दांतों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ दांतों की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन हाइट, कलर वगैरह भी आप ये देखिए ग्लोबल एटमॉस्फियर या एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता है। तो हमारे यहाँ का सबसे पहला रीजन मैं ये मानूंगा कि हमारे यहाँ का एक तो एनवायरनमेंट ऐसा है जो शायद कोरोना वायरस को फलने फूलने में उतना हेल्पफुल नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि सदियों से, सैकड़ों हजारों सालों से हमारे बॉडी में एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है जो नए नए जो है बैक्टीरिया, और देखिए वायरस और बैक्टीरिया भी नए नए तरीके के आते रहते हैं, हमारे बॉडी से एक्सपोज होते हैं, तो हमारे बॉडी में भी उसके उसी के हिसाब से जो है उसका इलाज के लिए जो है ये चीजें बनती रहती हैं, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे लड़ने के लिए। आयुर्वेद का भी कोई रोल है क्या इसमें? आयुर्वेद का भी ऐसा कोई रोल है कि हमारे देश में आयुर्वेदिक दवाइयों का, मसालों का, इन सबका जो इस्तेमाल होता है, क्या उसका भी कोई रोल है इसमें? मैं आपको बता रहा हूँ, आयुर्वेद भी एक फैक्टर है। देखिए उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि भारत में आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, लोग हमेशा एसी में बहुत ज्यादा हाइजीनिक तरीके से रहते हैं, हम यहाँ पे नेचुरली दिन भर एक्सपोज होते रहते हैं, तो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ऑड कंडीशन से एक्सपोज होता रहता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम शायद डेवलप हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि आयुर्वेद का जो आपने बात किया है, डेफिनेटली आयुर्वेद का इसमें बहुत बड़ा रोल है। देखिए हम लोग हल्दी का यूज हमेशा करते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाइए हल्दी का यूज होता है। हल्दी अपने आप में बहुत बड़ा एंटी बैक्टीरियल और इन्फेक्शन को कम करने वाला और बाहरी रोगाणुओं को किल करने वाला एक एलिमेंट है, एक नेचुरल एलिमेंट है। तो पहला फैक्टर तो ये है। अच्छा, हल्दी खाते हैं जब आप, तो आपके गले के नीचे से जाता है, एंटीबैक्टीरियल होने के कारण बोला ये जाता है कि 2 दिन तक कोरोना का जो वायरस है वो आपका गले में ही अटका रहता है, तो एक तरीके से क्लिंजिंग होती है। जब एंट्री होती है कोरोना वायरस की हमारे नेजल ओपनिंग और माउथ ओपनिंग के थ्रू, तो लगभग 2 दिन तक वो हमारे आपके गले में अटका रहता है और बड़ा वीक होता है। अगर आप हल्दी से रिलेटेड कोई चीज खा रहे हैं तो उसकी सफाई हो जाती है, वो किल हो जाता है या अंदर स्टमक में चला जाता है, वहां एसिड होता है, तो जिससे वो चूंकि कमजोर ऑलरेडी होता है वो किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जो मेडिसिन की तरह काम करते हैं उनका है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, भारत में हर थाली में कहीं ना कहीं चावल और दाल के रूप में कुछ ना कुछ होता है। साउथ में, महाराष्ट्र में देखिए इडली और सांबर जो कि चावल और दाल का कॉम्बिनेशन है, हम लोगों के यहाँ चावल दाल डेली होता है। चावल और दाल, राइस और पल्सेस, ये दो एक ऐसी प्रजाति है या खाद्य पदार्थ है कि हजारों साल से हम इनको खा रहे हैं। इनके अंदर एक बड़ी खास चीज होती है, ये हमारे जेनेटिक्स को ऐसा चेंज करते रहते हैं, सिंक करते रहते हैं कि जो नए नए खतरे हमारे शरीर के लिए बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के रूप में आते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारे जेनेटिक्स को भी ये चेंज करते चले जाते हैं कि जो नए खतरे आए उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके लिए प्रतिरोधी क्षमता डेवलप करे। ये क्वालिटी केवल और केवल चावल और दाल में पाया जाता है और किसी फूड मटेरियल में, नॉन वेज में नहीं पाया जाता है। यानी जैसे एक सॉफ्टवेयर अपने आप को अपडेट करता है कि कोई नया वायरस आया तो अपने आप वो ऑटोमेटिक अपडेट करता है, तो चावल और दाल खाने से और जो मसाले हैं, जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, हमारे बॉडी का हजारों साल से जनरेशन टू जनरेशन वातावरण के हिसाब से जो खतरे आते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है। मैं समझ गया आप कहना चाहते हैं कि देसी खाओ, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेकिन मिश्रा जी, जो मैं भी आपसे सवाल पूछना जा रहा हूँ वो बहुत ही जरूरी सवाल है और काफी संवेदनशील उसका सवाल है। मैं चाहूंगा आप उसको डीप एनालाइज करें और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बताइए। मेरा जो सवाल है वो चाइना से संबंधित है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब सभी ये जानना चाहते हैं कि चाइना चाहता क्या है, चाइना की मंशा क्या है। अगर हम बात करें एक छोटे कंट्री भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स की, या हम बात करें अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान की, कहीं से लेकर कहीं तक भी, वो जापान हो या वो रशिया हो, हर जगह चाइना अपना अड़ंगा लगा देता है। और भारत के तो इतना पीछे पड़ा हुआ है चाइना कि
जहां भी जाता है, चाहे वो बात इकोनॉमी की हो, चाहे वो बात रक्षा की हो, चाहे वो बात हमारे बॉर्डर की हो या हमारी इकोनॉमी की हो, सब जगह चाइना हमारे लिए खतरा बना हुआ है। तो चाइना की मंशा क्या है, चाहता क्या है, और आने वाले समय में चाइना हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम बात करते हैं ग्लोबल सिनेरियो में, जब एक एस्टेब्लिश नेशन, एक राष्ट्र की मैं बात करूं, उसका बिहेवियर इस तरीके से हो जाए कि बहुत ही अनप्रिडिक्टिव बिहेवियर है, कुछ भी समझा नहीं जा सकता है कि चाइना क्या कर देगा, किसके साथ, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इतना अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर अगर किसी कंट्री का हो जाए तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन उठता है। पास में आप जाके देखिए। एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। देखिए, मैंने उनकी एक किताब है जिसके बारे में सुना है, आर्ट ऑफ वॉर, और आर्ट ऑफ वॉर में बताया गया है कि आप जितने मिस्टीरियस रहेंगे, जितने आपके एक्शंस को सामने वाला नहीं समझ पाएगा, आपकी जो गतिविधियां हैं उनको नहीं जान पाएगा, उतनी ही चाल आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, उतने ही जीतने के आसार हो जाएंगे। और जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर खाने आप क्या कर रहे हैं, तो वहां पर आप उसको आसानी से मात दे सकते हैं। तो पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं क्या, जैसे हम चाणक्य को करते हैं? आपने जो आर्ट ऑफ वॉर की बात की, उसमें कोई ऐसी तुर्रम खां वाली चीज नहीं लिखी हुई है। कॉमोफ्लेज करना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हजारों साल से वॉर के मामले में जितना ज्यादा इतिहास हमारे यहाँ है उतना चाइना के पास नहीं है। आर्ट ऑफ वॉर की हिस्ट्री क्या होगी, 400-500 ईयर होगी ना। हमारे यहाँ आप वॉर देखिए तो रामायण काल से वॉर में ये सारे टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं। महाभारत इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जहां पे कर छल बल कैसे कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या चीजें यूज हो सकती है। तो इसको बहुत ज्यादा हाइप देने की, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आर्ट ऑफ वॉर एक वॉर की बाइबिल हो गई है, इसके पहले वॉर की कोई किताब नहीं थी। अरे इसको फेंकिए, ये रद्दी के भाव भी बिकने वाली नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कोई बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं दी गई है कि जिसको लेकर के ऐसी अनोखी चीज मिल जाए लड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में, जो कि आज तक किसी को पता नहीं था। मैं आपको बता ये रहा था, पास्ट में देखिए इस तरीके का बिहेवियर हिटलर का हुआ था। होता क्या है कि इनके जो अपने गोल है, गोल ये है कि ग्लोबल लीडर कौन बने। अमेरिका और चाइना की इकोनॉमी ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है, $13 trillion चाइना की है और 19 या 20 trillion ये है। जब आपके पास पैसा आ गया तो वर्चस्व की लड़ाई होना लाजमी है। सारी जो लड़ाई है वो ये है कि ग्लोबल वर्चस्व किसका स्थापित होगा। अब अगर बात ग्लोबल लीडरशिप या वर्चस्व की बात की जाए तो सारी की सारी चीजें ये होती हैं कि इकोनॉमी पे किसका कब्जा होगा। और बात अगर मैं ये बोलूं कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी पे आपका कब्जा हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी आपके हिसाब से चलने लगी, तो आप अनडिस्प्यूटेड लीडर है। अब अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करता हूं तो वहां पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में आज अमेरिका कैसे है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारी संस्थाएं अमेरिका के इशारे पे चलती हैं या उसके एलाइज के। तो इकोनॉमी पे अच्छा, पूरे देश में, पूरे दुनिया में ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी कौन है, डॉलर। चाइना चाहता क्या है कि युआन उसका ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी हो। इसके लिए ये हर देशों से ये बोलता है कि हम आपस में ही ट्रेड करेंगे, डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। जिस तरीके से IMF वगैरह है, उसी तरीके से चाइना अपना एक बैंक बना रहा है और वो उन बैंकों के थ्रू जो देश उसके साथ आ रहे हैं, भले ही वो अफ्रीकन और गरीब देश है, उनको वो ऋण दे रहा है। यानी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, IMF हो गया, नाबार्ड वगैरह हो गए, वर्ल्ड हो गया, ये सारे के सारे इस तरीके से वो उन चीजों को बना रहा है। तो ये एक सिस्टम को एस्टेब्लिश कर रहा है, और वो इसलिए एस्टेब्लिश कर रहा है कि बगैर, जो एक सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है बिना उसको रिप्लेस किए हुए वो बन नहीं सकता है। ऑप्शंस तो दुनिया को देना पड़ेगा ना, ठीक है। अभी 20 देश, छोटे छोटे देश उसके साथ हैं। तो अब जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है वो ये हो रहा है, कुछ देश चाइना के साथ आ रहे हैं, चाइना अपनी एक टीम बना रहा है। अच्छा, अब ये होता कैसे है मैं आपको बताऊं। इकोनॉमिक हितों पे जब कुठारा घात होता है तो ये जाती है मिलिट्री फाइट में, ये चीज अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे की बात मानने से इनकार कर देते हैं। तो इसलिए ये वॉर और मिलिट्री फाइट, नेवल शिप वगैरह जो देख रहे हैं, ये सेकेंडरी फेज है। सेकेंडरी फेज मतलब कि इकोनॉमिक वे में कौन इकोनॉमी की दुनिया का बादशाह कौन बनेगा, ग्लोबल इकोनॉमी का बादशाह कौन बनेगा, इस चीज को प्रूफ करने के लिए ये वॉर वगैरह की जो एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है। और वॉर के बाद भी यही होगा, जो जीतेगा उसका इकोनॉमी पे सिक्का चलेगा, जो हारेगा उसका वो जो है, मतलब एक डिफीटेड जो है प्लेयर होगा। आप ये देखिए,
चाइना ऐसा कर नहीं पाएगा, उसके पीछे रीजन है। चाइना का जितना भी इनकम होता है, इनकम ही इसमें सबसे मेन है। अगर चाइना आज आंखें दिखा रहा है तो उसके पास पैसा आ गया इनकम के थ्रू। अब मुझे ये लगता है कि बिना वॉर के भी चाइना को जो है आलमी ताकतें जो है अमेरिका वगैरह ये सब हरा देंगे, इंडिया वगैरह, उसके पीछे रीजन है। हुवेई के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया, ऐसे ही करके धीरे धीरे चीजों को जब सैंक्शन लगा देंगे तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि लगभग 80% चाइना की अर्निंग या बिजनेस यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और इंडिया से मिलकर के होता है। तो आप मैन्युफैक्चर कुछ भी करो, आपको पे करने वाले आपके पास नहीं रहेंगे तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर लेंगे। आपकी इनकम जो है बहुत पुअर हो जाएगी। जब एक नेशन की इनकम पुअर होगी तो जीडीपी गिरेगी। और रशिया देखिए क्या हुआ, बिना लड़ाई के रशिया अलग हो गया, तो वहां पे इतना कमजोर हो जाएगा कि वो एक नेशन जो है एज ए नेशन नहीं रहता, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन ये है कि कई लोगों ने ये बोला था कि कोरोना वायरस को फैला के चाइना किंग बन गया है। मैंने बोला है कि कुल्हाड़ी मारना एक कहावत होती है, लेकिन कोरोना का प्रकरण करके चाइना ने अपने गले पे ही कुल्हाड़ी मार ली। लोग बोलते हैं पैर पे कुल्हाड़ी मारना, गले पे कुल्हाड़ी चाइना ने मार ली। इसका मतलब ये है कि नॉन रिकरेबल लॉस चाइना ने अपना किया है कोरोना वायरस को फैला के। एक इमेज ऐसी इतनी निगेटिव बन गई गलवान घाटी में पिटने के बाद, जो सिक्वेंस होते चले गए, आज की डेट में कोई भी कस्टमर टूरिज्म चाइना जाना चाहेगा, आप किसी से पूछिए कि आप चाइना जाइए बिजनेस करके माल खरीद करके ले आइए, इतना फियर डेवलप हो गया है कि कोई जाना नहीं चाहेगा। आप ये देखिए, इंटरनेशनल एविएशन नहीं जा रहे हैं, फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं। जब कोई जाएगा नहीं तो आप कंटेंट हो जाएंगे। कंटेंट होने का रीजन ये है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, कोई आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, कोई आपके ऑनलाइन सर्विसेज को नहीं ले रहा है, आपके ऐप को यूज नहीं कर रहा है, तो आप सेल्फ कंटेंट हो जाएंगे। आपके बैंक में जो पैसा रखा है, चूंकि आपकी इकोनॉमी गिरेगी तो युआन की कीमत गिरेगी, तो भले ही वो बैंक में आपका पैसा रखा रहे वो मिट्टी के बराबर हो जाएगा। तो ये ताश का महल ढहने में भी टाइम नहीं लगता है। आप अभी आगे आगे देखिए कि चाइना हो सकता है बिना लड़ाई के ही कैसे उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो एके मिश्रा जी, जिस तरीके से आपने हमें चाइना का मॉडस ऑपरेंडी समझाया और आपने बताया कि उसकी एक्सपेंशन थियरी कैसे फेल करेगी और किस तरीके से चाइना अपने ही बनाए हुए जाल में खुद ही फंसकर बैकफुट पर चला जाएगा। एके मिश्रा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, अभी हमने देखा कि किस तरीके से एएमयू में एक मुद्दा उठा है जिसमें बुर्के को लेकर कुछ कहा सुनी हुई है और एक महिला से कहा गया है कि उनको पीतल का बुर्का पहना दिया जाएगा। तो जिस तरीके से देश में यहाँ पर जो परिस्थिति चल रही है उसके बारे में आपको क्या लगता है कि इसमें क्या किया जाना चाहिए और इसके लिए सीधे सीधे कौन जिम्मेदार है? देखिए सनोज, एक चीज तो मैं ये बताऊंगा, एएमयू में अगर एक घटना ये हुई है तो ये देश में ऐसा चल रहा है ये नहीं बोलना चाहिए। एएमयू की या कहीं की थोड़े लोग ऐसी चीजें करते हैं तो वो देश का कल्चर या देश का वो घटना नहीं बन जाता है, ये निंदनीय है। देखिए मैं आपको बताऊं, प्राचीन काल से ही और आधुनिक सभ्यता में भी आप ये देखिए, कहीं पर भी आप जाइए, जो हमारे देश का रीति रिवाज है, जो संविधान है, इतना भी रिस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर जो है लादना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है और हाइजीनिक भी नहीं होता है। किसी भी तरीके से इसको जो है ओके नहीं बोला जा सकता है। कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो आज भी ये समझते हैं अपने आप को समाज का, घर का, या किसी भी चीज का, या स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ठेकेदार समझते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि कुछ ना कुछ उनके पास अधिकार होते हैं या कुछ ऐसे ताकत होते हैं जिसके कारण कि वो कमजोर लोगों को थोड़ा सा प्रेशर बना सकते हैं। तो ये वही एक प्रेशर टैक्टिक्स है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी का कोई नेता या प्रशासन बोलता है कि भाई कंपल्सन है बुर्का आप पहनिए, तो ये सीधे सीधे ये है कि उनके पास में थोड़े से अधिकार होते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, तो वहां पे जो उनकी हिडन या लेटेंट धार्मिक भावनाएं होती है ना वो जाग जाती है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने। मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर तालिबान का राज नहीं है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ही देश चलाया जाता है, और वहां पर अगर आप किसी को बोलते हैं कि पीतल का बुर्का आपको पहना दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये गलत मैसेज जाता है? आज हम चलिए मैं आपका एक कंस्ट्रक्टिव नजरिया देख लेता हूं कि आपने बताया एक केस, लेकिन ये एक केस कई जगह पे जब इस तरीके के लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी जो बैड एलिमेंट्स है उनको कहीं ना कहीं वी आर गिविंग अ बिग रोप टू देम, तो हम उनको कैसे मतलब रोक सकते हैं और इसके लिए सरकार को किस तरीके कड़े कानून लाने चाहिए?
मैं आपको सनोज बताता हूँ, हालांकि ऐसे बहुत सारे संविधान वगैरह में कानून वगैरह अवेलेबल है कि हरासमेंट नहीं होना चाहिए, अगर जो है जो वो लड़की है जाके अगर कंप्लेंट करे तो इसपे एक्शन डेफिनेटली हो सकता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये एक घटना है, पूरे देश के कल्चर से मैं इसको नहीं जोड़ता हूँ। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमारे बीच में तालिबान भले ही ना हो लेकिन तालिबानी सोच की मेंटेलिटी तो है। अच्छा, इनको पहचानना बहुत जरूरी है, इनको कौन पहचानेगा? हम ही लोग पहचानेंगे जो समाज में हम लोग हैं, हम ही लोगों को ऐसे लोगों को पहचानना होगा और इनको दरकिनार करना होगा। दरकिनार करने का मतलब इनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है इनकी फीलिंग की, इनके इमोशंस की, और सबसे बढ़ के इनकी आइडियोलॉजी की, जो ये आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और बताते हैं कि इससे बहुत फायदा होगा, कहीं ऐसा कहा गया है वैसा कहा गया है, तो ये जो एक आइडियोलॉजी है इसको डिस्करेज करना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो कानून और पुलिस की भी मदद लेने से हमें चूकना नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा नहीं लगता है, भारत की जो जनसंख्या है, भारत एक विविधताओं से भरा हुआ, कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, स्वतंत्र और उन्मुक्त जो है यहाँ पे उन्मुक्तता है, स्वतंत्रता है, इतनी भी यहाँ पे इस तरीके से दकियान सुनी नहीं है कि कोई आदमी बुरका न पहनना चाहे तो उसको इन्फोर्स किया जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बहुत ही चैलेंजिंग चीज नहीं है कि इसको नेशनल लेवल का वो करें। हाँ, इससे हमें सावधान रहना है, कानून की मदद लेनी है, संविधान के हिसाब से चलना है, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक आदमी की है, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, उसको भी निभाना है कि समाज में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो, कोई ऐसी खबर आए तो इमिडिएटली हमें उसको अपोज करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जहां सामाजिक शक्तियां एक हो जाती हैं वहां बड़े से बड़े तालिबानी भी झुक जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है कि जब समाज उनको सपोर्ट करने लगता है और इन चीजों को एज ए हीरो या हीरोइक मैनर में प्रेजेंट करना या एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है तो वो एक दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ए के मिश्रा जी, आपने जितने भी जो भी ज्वलंत मुद्दे आज की डेट में चल रहे हैं उसके ऊपर आपने अपनी राय रखी, हमारे दर्शकों को आपने समझाया कि चाहे वो चाइना हो या ईरान का पोर्ट हो या फिर भारत में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसके ऊपर आपने अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप लगातार ऐसे पर्दे के पीछे कार्यक्रम में आते रहे और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको जो भी करंट मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी, जो आपके जो डीप एनालाइज जो आप चीजों को करते हैं, आपके जो एनालिसिस है वो वास्तव में बिल्कुल ही आप एक अलग तरीके से अपनी बात को रखते हैं और बेबाकी से जैसे आप जवाब देते हैं उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद देके मिश्रा जी। थैंक यू सनोज, आपको भी और आपके आपसे जुड़े हुए लाखों करोड़ों दर्शक जो आपके इस प्रोग्राम को देखते हैं अपलोड होने के बाद। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आप कोई नया वीडियो अपलोड करें जी डेफिनेटली उन तक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।